तहरीके आदमी अहमद पर वोटिंग से पहले कशीदगी का आलम है। इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 8,000 सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई। नेशनल असेंबली से अराकीन की भी एंट्री पर रोक लगा दी। वहीं कंटेनर से रास्ते सील किए गए हैं। सख्त चेकिंग जारी है। तहरीके आदमी अहमद के दौरान तशद्दुद का भी इम्कान है। इसी के चलते यहाँ सिक्योरिटी का बेहद सख्त इंतजाम किए गए। 8,000 सिक्योरिटी अहलकारों को लगाया गया इस्लामाबाद में। बड़ा अपडेट आप इस वक्त के देख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से आज नेशनल असेंबली में तहरीके अदम एतमाद की तजवीज पर वोटिंग होनी है। 11:30 बजे सेशन शुरू होगा। उसके बीच इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। कंटेनर से रास्ते रोके गए हैं। बड़ा अपडेट पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान बड़े सियासी बोहरान से गुजर रहा है इन दिनों, और उसी के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अदम एतमाद की तजवीज पर वोटिंग से पहले यहाँ कशीदगी का आलम है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम बड़े अपडेट आपको पाकिस्तानी इस सियासी बोहरान के हवाले से दे रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद से पहले कशीदगी का आलम है यहां पर। नेशनल असेंबली में आज एतमाद की तहरीक की तजवीज पर वोट किए जाएंगे। तो इस्लामाबाद में रेड अलर्ट किया गया है। 8,000 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। कंटेनर से रास्ते सील किए गए। सड़कें बंद हैं। बेहद सख्त चेकिंग की जा रही है।